यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं हिटमैन 2। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट एपिसोड में एजेंट 47 ने मुंबई के दो बंदों को मारना था, मतलब कि दो लोग को एलिमिनेट करना था। पहली थी वान्या शाह और दूसरा था दाऊद रंगन, तो हमने दोनों को एकदम चुपके से तो मार दिया था। बट अभी फिलहाल एजेंट 47 को एक मिशन और आया, तो अभी एजेंट 47 आया हुआ है यूएस यानी अमेरिका में। अब यहां पर ना एक बहुत ही तगड़ी रेस चल रही है मायामी सिटी में, जो कि एक F1 यानी कि फॉर्मूला 1 रेसिंग है। अब यहां पर ना हमें दो बंदों को एलिमिनेट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है रॉबर्ट नॉक्स। तो यहां पर आप देख पा रहे हो जैसा कि एकदम फुल एकदम ट्रैक व्रैक बिछे हुए, रेस जो है स्टार्ट होने वाली है। तो हमें दो लोग को एलिमिनेट करना है, सेरा नॉक्स को जो कि इस टाइम रेस में है, जो कि उस बंदे की बेटी है, और उसके मतलब कि फादर को भी फिनिश करना है जिसका नाम है रॉबर्ट नॉक्स, जिसकी मतलब ये जो कार आप देख पा रहे हो ना रेड वाली, ये समझ लो उसी की कार की कंपनी है एक टाइप से। तो अभी फटाफट देखते हैं भाई इनकी रेस वेस थोड़ी सी, पूरा एकदम एंजॉय करते हैं। ओके, तो ये बाबूजी यहां पर झंडा लहरा रहे हैं और ये जा रही है ये वाली कार, हमें इस कार के अंदर जो लड़की बैठी है ना उसको मारना है। तो चलो भाई यहां पर अपना टकलू जो है एंटर हो चुका है मायामी सिटी में, जो कि अमेरिका में है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो अभी हमने एंट्री तो नहीं लिया अंदर, जो इवेंट चल रहा है मतलब कि जो रेस चल रही है इसके अंदर एंट्री नहीं लिया है। तो इसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन रेस। ओके, तो ये एक रेस है, ठीक है, वो हमें पहले ही पता चल गया था। ओके, तो फिलहाल यहां पर काफी सारी भीड़ है और ये जो बंदे अपना लाइन वाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। ओके, तो यहां पर हमें अंदर जाना है। ओके, चेकिंग करवानी पड़ेगी। लो भैया कर लो चेकिंग, हम भैया शरीफ आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं। ओके, वैसे मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सारा सामान निकाल दिया था ऑलरेडी यहाँ पर, वरना अगर चक्कू वक्कू पिस्टल विस्टल होती ना भैया मेरी कुटाई हो जाएगी अभी। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने अपनी चेकिंग करवा ली और जो कार्स का साउंड आ रहा है ना भाई साहब, बहुत तगड़ा सा आ रहा है, शू करके कार जा रही है यहाँ पर सारी की सारी। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट में एक फ्री फोटोशूट की शॉप लगी हुई है, सब ने अपने छोटे छोटे जो है फोटोशूट के थोड़ी बहुत दुकानें खोली हुई। और एक ये देखो, ये भाई साहब जी यहाँ पर अपना प्रमोशन करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर इनके भाई पता नहीं क्या बिक रहे हैं, चलो कोई नहीं बढ़िया। और ये एक कार खड़ी हुई है ब्लू स्पीड की, भाई साहब कितनी तगड़ी कार है। तो हमें जिस कार के उसमें एंटर होना ना, यानी जो लड़की कार चला रही थी वो वाली, तो सबसे पहले हमें उसके पास तक कैसे पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही वो कंपनी है जिस कंपनी की कार वो लड़की चला रही है ना, तो वो ये कंपनी है क्रॉनस्टैड, अजीब सा कुछ नाम है। तो यहाँ पर भाई सभी टीम ने अपने छोटे छोटे से शॉप लगा रखी है, क्या पता उनके जितने भी जो है मर्चेंटाइज वो बिक जाए। अब यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं भाई, वैसे काफ़ी अच्छा एरिया, मतलब कि यार एकदम काफ़ी सारी भीड़ भी है। अब यहाँ पर पूरे के पूरे सारे के सारे अमेरिकन्स हैं और यहाँ पर ये ओके ही हॉट डॉग्स बिक रहे हैं, वाह। ओके, तो अभी मेरे को भूख नहीं है, बाद में आगे कहेंगे, कॉफ़ी ऑफी सब चल रही है। ओके, तो अभी मैं आगे चलकर देखता हूँ यहाँ पर किस चीज़ की लाइन लगी। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, तो अभी मैं इसके अंदर चलकर देखता हूँ यहाँ पर से शायद कुछ व्यू है। ओके, तो ओ ओ ओ ओ ओ, ओ मैं समझ गया, मेन जो एरिया वो यहाँ पर है। ओके, तो ये है रेस ट्रैक। ओके नाइस, मुझे किसको मारना है? ओके, तो अभी मेरे को ओ ये कौन जा रहा है, ओ भाई क्ल्यू मिल गया, क्ल्यू मिल गया भाई। इस गेम के अंदर ना हमें क्ल्यू ही ढूंढना होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो रेड कलर का बंदा जा रहा है ना, ये सामने मेरे जिसके ऊपर लिख कर आ रहा है 5 मीटर जितना भी डिस्टेंस है। अब यहाँ पर ना मेरे को इस बंदे के पीछा करना है और इसकी ना मेरे को ड्रेस चाहिए। अगर मैं इसकी ड्रेस ले लूंगा ना तो मैं उस लड़की तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो जो लड़की है ना इसी कंपनी की कार भी चला रही है। अभी यहाँ पर इस बंदे को ना एक कॉल आ गया, तो ये किसी से कॉल में बात करते करते पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर ना मेरे को इसका पीछा ऐसे करना है कि शक भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही किसी सुनसान एरिया में जाएगा ना, मेरे को जैसे ऐसे करके ना इसकी ड्रेस चाहिए। ओके, तो बस इसको ना थोड़ा सा आगे जाने देता है जब तक मैं एकदम साइड में छुप जाता हूँ, ताकि इसको शक ना हो कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक है VIP एक्सेस, तो अभी तो हम भैया VIP आदमी है नहीं, अभी कुटाई उटाई अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर सामने भी एक अलग से टेंट लगा हुआ है, तो ओके ये हेल्थ वेल्थ का, किसी की तबीयत वबियत खराब हो जाए तो यहाँ से आके दवाई ले जाओ। ओके, तो ओके ओके एक सेकेंड, ये मेरे को ना देख रहा है ना। ओके, तो ये जो है अपना बाथरूम की तरफ जा रहा है, भाई मैं इसी चीज़ का इंतजार था कि ये थोड़ा ना एकदम सुनसान एरिया में जाए। ओके, तो यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ है जो कि टिकटॉक चला रहा है अपना फोन में। ओके, तो यहाँ पर टॉयलेट करने आया, तो यही टाइम है, इधर आ बेटा टॉयलेट बाद में करना, चलो 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 इसको लपेटना भैया, चलो इसको तो मैं लपेट दिया। सबसे पहले मैं इसकी ड्रेस ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसकी ड्रेस ले ली है, अब इसकी बॉडी को भी ना लगे हैं ठिकाने लगा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। तो इसकी बॉडी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और वो जो बंदा टिकटॉक चला रहा था फोन में, जो कि उनका सिक्योरिटी गार्ड है इस टॉयलेट वाले एरिया का, उसने वो देखा तो नहीं है ना। तो चलो यार, अभी हमने ये वाली जो मैकेनिक वाली ड्रेस है वो तो पहन लिया, यानी कि मेरे को ना ऐसा कुछ लग रहा है अगर मैकेनिक वाली ड्रेस पहनी है तो मेरे को ऐसा कुछ सीन लग रहा है कि उस लड़की की ना कार खराब होगी और वो मेरे पास आएगी रिपेयर करवाने, तो हमें तभी कुछ कांड करना है, तो वैसे रिपेयर करवानी नहीं आएगी। ओके, एक चीज़ मेरे को याद आ गई यार, फॉर्मूला 1 रेसिंग में ना हमेशा टायर चेंज होते हैं गाड़ी के, तो शायद उसी से कुछ रिलेटेड होगा। इसके अंदर मैं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ का तो मैं मेंबर बन गया हूँ ना। ओके, इसने मेरे को रोका नहीं, वाओ। यहाँ पर काफ़ी सारी वाटर बॉटल्स पड़ी हुई हैं, तो मेरे को इसका कोई यूज़ नहीं करना। अभी मेरे को ढूंढनी है जिस कंपनी के मैंने ड्रेस पहनी है ना, मेरे को उनके एरिया में जाना है। तो ये तो येलो वाले हैं, मेरा रेड कलर का होगा भाई। ओके, तो ये पीछे की तरफ है मेरा। ओके, ये रहा सेरा नॉक्स, ये रहा, इसी लड़की को मारना है, आप देख पा रहे हो ना, मेरे को इसी लड़की को मारना है। ओके, तो यहाँ पर अभी फटाफट जाना का है, वो किसी को शक हो रहा है मेरे पे, शिट शिट शिट, इस बंदे को मेरे पे शक हो रहा है।
ओके तो मैं अंदर चले जाता हूँ, मेरे को ओहो मेरे को इसी के अंदर जाना है, आप ये देख पा रहे हो? ओके ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर जाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को कुछ कहा तो नहीं, और मैं कैमरे में नोटिस हो चुका हूँ। ओके तो मेरे को यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ये अनलॉक करना है। ओके तो ये अनलॉक किस चीज़ से नहीं होगा? शिट, ये फिर अनलॉक किस चीज़ से होगा? अरे अंकल मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे से पंगे मत लेना, गुद्दी पे रेपटे पड़ेंगे अभी कस कस के। तो यहाँ पर यार वो कार्ड मांग रहा है कोई, तो शायद मैंने जिस बंदे को मारा था ना उसका कार्ड भी गिरा होगा। एक बार चल कर देखते हैं, रुको, काश यार मेरे को वो कार्ड मिल जाए, मतलब कि एक्सेस कार्ड मिल गया ना तो मैं उस गेट में जैसे ही वो लगाऊंगा गेट खुल जाएगा। आगे चल कर देखते हैं यार, क्या पता मिल जाए यहाँ पर कुछ कार्ड वर्ड। अरे ये पड़ा भाई साहब, मतलब कि यार मैंने ये चीज़ उठाई नहीं। चलो अभी हमारे पास एक एक्सेस कार्ड हो चुका है, अब मेरे को वहाँ पर जाकर उस डोर में कार्ड लगाना है और वाला डोर खुल जाएगा और हमें अंदर जाना है, फिर देखना क्या करते हैं। ओके तो यार रेस चल रही है, अगर रेस खत्म भी होगी ना तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें उसे और किसी तरीके से मारना पड़ेगा। तो जब तक रेस चल रही है ना तो अभी हम मैकेनिक बन के उसको मार सकते हैं, अगर रेस खत्म होगी ना तो भैया मारने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फटाफट यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं पहले ना अनलॉक कर देता हूँ। ओके तो यो हमारा जो कार्ड है वो लग गया फटाफट। अब यहाँ पर मेरे को अंदर की तरफ में एंटर होना है और यहाँ पर एक बार ना देख लेते हैं क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। ओके तो यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे करना क्या है यार यहाँ पर? ओके तो एक गेट इधर भी है, इस गेट के अंदर क्या है? ओके तो यहाँ पर ना ये क्या चीज़ है? तो भाई काफ़ी सारा ना काम का सामान तो पड़ा हुआ है यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो। यहाँ पर भी एक गेट है। ओके तो सामने कुछ बंदे, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सामने कुछ बंदे हैं तो मेन पता भी हमें क्या करना है, मैं पूरा का पूरा प्लान समझ चुका हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो क्योंकि गाइस अभी जो हमें मेन काम करना है ना वो हमें टायर चेंज करने वाले बंदे नहीं होते, तो हमें उसके लिए ना एक वो चाहिए होगा जिससे हम स्क्रू टाइट करते हैं और स्क्रू ढीले करते हैं, तो जब वो गाड़ी लेकर अपनी आएगी ना और जैसी गाड़ी रोकेगी तो हमें उसके टायर चेंज करने हैं और हमें ना टायर के जो पेच है उसे टाइट नहीं करना है। तो यहाँ पर ना मैं इनका जो डिवाइस होता है, जो गैजेट होता है, इसे उठाकर यहाँ से निकल लेता हूँ ताकि इनको बिल्कुल भी शक ना हो। तो ओके मैं इसके अंदर चले जाता हूँ, बंदो प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी, तो इसके अंदर मैं घुस जाता हूँ। ओके तो यहाँ पर इसके अंदर बैठ चुका हूँ और यहाँ पर ना ये लोग मेरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक बारी मैं राइट में देख लेता हूँ। ओके तो अभी ना इस बंदे को मेरे पे शक हो रहा है जो सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ना मैं इसके अंदर थोड़ी देर तक बैठे रहूंगा और फिर जैसे उसकी गाड़ी आएगी ना टायर चेंज करने के लिए तो मैं टायर तो लगाऊंगा लेकिन उसके पेच ही टाइट नहीं करूंगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगी। अब यहाँ पर ना सबका शक तो मेरे हिसाब से मेरे ऊपर से हट चुका है। अब यहाँ पर ना मैं एक बार बाहर निकल कर देखता हूँ, क्या पता सारा मामला एकदम डन हो जाए। चुपचाप चलते हैं सामने की तरफ, इनको मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं है। अब यहाँ पर भाई सब कुछ डन हो चुका है और उसकी जो गाड़ी है ना वो यहीं से आएगी, देखो ये बंदा इंतजार भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ओके तो कि गाइस अभी मैंने टायर में कुछ तो छेड़छाड़ कर दिया, उसकी गाड़ी जो है ना आने वाली है, तो जैसे उसकी गाड़ी आएगी भाई वैसे हमें काम करना है। ओके तो उसकी जो F1 की कार है वो यहाँ पर आ चुकी है और हमें ये देखो मैं टायर लेकर आया हूँ ना, तो इसके वाले टायर में इशू आया था, अब यहाँ पर जो टायर लगाएगा ना एजेंट 7 उसे पूरा पक्का टाइट नहीं करेगा। ओके यहाँ पर ओके तो यहाँ पर इसकी गाड़ी यहाँ से गई और ये गए टायर इसके, ले भटैक खत्म भाई। लो भैया सेरा नॉक्स यहाँ पर हमने खत्म कर दिया सेरा नॉक्स को, भाई साहब बहुत ही गलत सीन हुआ है, बिचारी को मार दिया हमने। ओके तो अभी इसका कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसे फेंक देता हूँ। अरे एक बार ही उठा लेते यार, क्या पता कोई कुछ कह नहीं सकते भैया, काम पड़ भी सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पर मैं इसको अपने हाथ में रख लेता हूँ और उस बिचारी का एक्सीडेंट हो गया, सारे बंदे हैरान हो गए, मतलब कि जितनी पब्लिक आप देख पा रहे हो ना ये सारी की सारी उसकी फैन है भाई, मतलब कि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल उसका एक्सीडेंट हो चुका है और यहाँ पर इन लोग को भी पता नहीं है क्योंकि ये लोग अपना अंदर टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो रेस है ना वो भी एंड हो चुकी है, अब यहाँ पर ना किसी को पता नहीं चला कि किसने मारा, सबको लग रहा है कि उसका ना एक्सीडेंट हुआ है बट किसी को ये रीज़न नहीं पता कि हमने गाड़ी के जो टायर ही सही नहीं लगाए थे इस वजह से वो मरी है। अब यहाँ पर हमें उसके फादर को मारना, जो कि ना यार ट्रैक के उस पार है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जो उसका फादर है ना वो ट्रैक के उस पार है और ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, रेस खत्म होगी घर जाओ, क्या टाइम पास कर रहे हो, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा वसूल रहे हैं। तो यहाँ पर शायद ऊपर से तो कोई रास्ता नहीं होगा उस पार जाने का। ओके यार ऊपर से तो कोई भी रास्ता नहीं है, शायद मेरे हिसाब से ना नीचे से रास्ता होगा। ओके तो एक बार ना नीचे चलकर देखते हैं, अगर यहाँ से नहीं होगा तो शायद कहीं और से, कहीं ना कहीं से तो रास्ता होगा, ऐसा है नहीं कि भैया रास्ता ही ना हो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ओके तो ये तो पार्किंग में जा रहे हैं और यहाँ पर लेफ्ट में टॉयलेट है और हमें कैमरे में हम नोटिस हो चुके हैं। अब यहाँ पर आगे तरफ एक डोर है, इस डोर को खोलकर देखते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या सीन है? अबे ये यहाँ खड़े होके भीख मांग रहा है, अबे बाहर इतने सारे बंदे खड़े हैं भाई, मेरे पे तो चिल्लर है नहीं वरना मैं दे देता भाई। वहाँ पर जाके वही मेरे पे एक इलेक्ट ओके मेरे को एक कार की मिली थी जो कि मैंने इसे दे दी। ओके तो इसकी कार की खो गई थी। ओके तो मैंने दे दी इसे, वाओ अब पता नहीं किसकी कार की थी। और ये आगे कौन लेटा हुआ है? अबे ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कौन है नंगू? ओबे ओ भाई 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 भाई, अबे ये तो वही बंदा है जिसको हमने, याद करो जिसकी ड्रेस पहनी हुई है ना, ये वही बंदा है जिसको हमने डब्बे के अंदर डंप कर दिया था। भाई साहब ये यहाँ पर क्या कर रहा है यार? अच्छा हुआ इसने मेरे को देखा नहीं, और वो पता यही बोल रहा कि पता नहीं मेरे को किसी ने मार दिया, मतलब कि और मेरी ड्रेस भी ले गया, मास्क और ड्रेस भी ले गया। ओके
तो यहाँ पर अभी हम इस रूम के अंदर आ चुके हैं। इस रूम के अंदर तो फिलहाल कोई भी खास आइटम पड़ा नहीं हुआ है। मेरे को ना अभी वो एरिया ढूंढना जहाँ से मैं ऊपर जा सकते हो। और भाई साहब इसने अच्छा हुआ मेरे को अभी भी नहीं देखा उसको। भैया बिल्कुल भी होश नहीं है क्योंकि मैंने उसके पीछे से ना पूरा पूरा गला घोट दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो इन तक पहुँचा कैसे। ओके तो यहाँ पर एक पार्किंग है। अब मेरे को ना ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना है यहाँ से। बस जैसे तैसे करके ना एक बार मैं ऊपर पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर आगे की तरफ में भी एक रास्ता तो जा रहा है, यहाँ पर राइट में भी एक रास्ता जा रहा है, लेकिन ये रास्ता जा कहाँ पर है। ओके तो यहाँ पर लेफ्ट में एक रास्ता है जहाँ पर यार इतनी सारी तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स के वो लगा रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ है क्या खास आइटम। ओ एग्जिट एग्जिट एग्जिट, यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। क्या पता वो दूसरी बिल्डिंग और बाहर से उसके एंट्रेंस हो। एक बारी बाहर चलकर देखते हैं। ये पता नहीं मैं कौन से डोर से एग्जिट हो गया हूँ। ओ भाई साहब तो भाई देख लो ये है अमेरिका। मतलब क्या यार क्या ही लुक है। इतना प्यारा सा ब्रिज जा रहा है भाई, कितना तगड़ा सीन है भाई साहब ये। मतलब कि तुम व्यू देखो भाई। ओके ये है भाई साहब अमेरिका। तो एक से बढ़कर एक बिल्डिंग से इतनी बड़ी बड़ी, क्या मॉडर्न सिटी है भाई। अब फटाफट ना अपना काम करते हैं। लेकिन यार यहाँ से तो कोई भी ना एंट्रेंस है नहीं मेरे को लग रहा है। वापस से अंदर ही चलना पड़ेगा। वैसे जिस बिल्डिंग के अंदर हमें जाना है ना वो बिल्डिंग इसी के अंदर है, कोई बाहर से एंट्रेंस नहीं है उसकी। तो मेरे को लग रहा है ना पार्किंग से उसकी एंट्रेंस होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार ढूंढ कर देखते हैं क्या पता मिल जाए। तो यहाँ पर राइट में ये सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह का रूम है जो कि यार पार्किंग में ध्यान रख रहे हैं गाड़ी वाड़ी का। यहाँ पर भी यार मैं गेट नंबर ए से तो एंटर हो रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो ओके गाइज यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ना एक डोर और है, शायद से वाला डोर खुल जाएगा। इसके अंदर मैं पहले नहीं आया। ओके 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 तो यहाँ पर मैं पहले नहीं आया था, शायद हमें यहीं पर जाना है। ओके तो यहाँ पर एक ये लिफ्ट लगी हुई है। उस लिफ्ट के अंदर कुछ है क्या ऊपर, पता नहीं यार। इस लिफ्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, कोई बटन वटन भी नहीं है जिससे चालू हो जाए। अब यहाँ पर राइट में क्या है, राइट में भी एक जगह है और यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है। ओके तो मैं स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ, काफ़ी काम आता है भाई ये चीज़। ओके तो यहाँ पर तो यार सीधा का सीधा एग्जिट ही हो गई है। पता नहीं यार कहाँ पर जाना है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ना कमाल की भी है। और यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, लिफ्ट में यार कुछ तो। ओ भाई 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 भाई, इस पाइप के थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये महिला हमें देख लेगी तो भैया एक सेकंड, इधर आओ इधर आओ, आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ये स्क्रू ड्राइवर हमने तुम्हारे लिए उठाया, इधर आओ इधर आओ। इसकी लाश पहले अंदर कर देता हूँ कोपचे में ताकि किसी को पता ना चले, अगर वरना बंदों ने देख लिया ना तो भैया मेरी वॉट लग जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ इसकी बॉडी को। अब यहाँ पर मैंने जैसे करके ऊपर चढ़ जाता हूँ। वैसे मेरे को ना किसी की भी ड्रेस की तो जरूरत पड़ने नहीं वाली मेरे हिसाब से। अभी फटाफट ऊपर चढ़ते हैं, अभी देखते हैं भैया जाना कहाँ पर है। ऊपर तो वैसे काफ़ी ऊपर तक है, शायद से सेकंड फ्लोर भी है यहाँ पर। ओके तो पहले मैं फर्स्ट फ्लोर चेक करूँगा फिर सेकंड फ्लोर, वरना डायरेक्ट सेकंड पे जाएंगे तो समझ नहीं आएगा भैया क्या सीन है। अब मेरे को लेफ्ट में कैसे जाना है यार जंप करके। ओके एक सेकंड रुक जाओ। ओके तो यहाँ पर अभी हम लेफ्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देख लेता हूँ कोई काम का सामान है कि नहीं, और सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ओके तो मेरे को कोई कुछ कहेगा तो नहीं, चलो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं इन्हीं की कंपनी का बंदा हूँ तो यार कुछ कहने का मतलब तो बनता नहीं है। ओके तो यहाँ पर अभी हम अंदर एंटर हो चुके। ओ भाई साहब क्या तगड़ी कार खड़ी है भाई, भाई साहब बहुत तगड़ी कार है। अब यहाँ पर हमें करना है क्या, हम यार मेन जो इनका ऑफिस है मतलब कि मेन जो इनका शोरूम है उसके अंदर तो हम एंटर हो चुके। ओके तो सामने उसकी फोटो लगी हुई है रॉबर्ट नॉक्स की, तो हमें उसे ही मारना है वैसे। अब यहाँ पर रॉबर्ट नॉक्स है कहाँ पर, ओके तो वो ऊपर वाले फ्लोर पर है मेरे हिसाब से। चलो यार अभी एक बार ना पहले नीचे वाला फ्लोर चेक कर लो। नीचे वाले फ्लोर पर तो यार कितने सारे बंदे घूम रहे। ओ सामने एक कार खड़ी है, सामने एक कार खड़ी है, हमें इस कार का करना क्या। ओके तो यहाँ पर इस बंदे से शायद हमें कोई काम है। ओके इसके पास चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अपना कुछ बात कर रहे हैं एंड ये लोग सिक्योरिटी गार्ड है फिर क्या है। ओके तो शायद से ये लोग यहाँ के कुछ तो हैं भाई, मेरे को पता नहीं। अब यहाँ पर मेरी अंदर एंट्रेंस है, कार के पास जा सकता हूँ अंकल मैं, अंकल कुछ कहोगे तो नहीं। ओके तो अंकल कुछ नहीं कह रहे और मैं कार के पास जा सकता हूँ भाई, मारोगे तो नहीं ना बाद में, मैं कार को छू सकता हूँ। ओके तो मेरे को कुछ नहीं कह रहे। ओके तो एक बार मेरे को पढ़ना पड़ेगा सीन। ओके तो ओके गाइस अभी मैं पूरा का पूरा सीन जो है समझ चुका हूँ। अब यहाँ पर ये जो आप कार देख पा रहे हो ना ये रोबोट नॉक्स की कार है। अब यहाँ पर पता है सीन क्या है, ये जो कार है ना उसको सिर्फ वही रिपेयर करता है, मतलब कि ना वो किसी बंदे पे विश्वास ही नहीं करता कि तुम लोग मेरी गाड़ी रिपेयर करोगे। मतलब कि अच्छे से अच्छा मैकेनिक भी आ जाएगा ना वो उसको मना कर देता कि भैया तू नहीं रिपेयर करेगा मेरी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी खुद रिपेयर करूंगा। तो यहाँ पर ना हमें इसकी गाड़ी ना जैसे करके खराब कर देनी है, और ऐसी खराब कर देनी है कि अगर वो रिपेयर करने आए तो ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। तो लेकिन मैं उसे खराब कैसे करूंगा, वैसे मैं स्क्रू ड्राइवर तो लेकर आया था तो शायद इससे कोई काम हो गया। तो यहाँ पर हमने इसकी गाड़ी को तो खराब कर दिया है। अब जो रोबोट नॉक्स है वो यहाँ पर मेरे को लग रहा आएगा। ओके अंकल मैंने कुछ नहीं करा, अंकल ने कुछ तो देखा है, अंकल कुछ तो करने जा रहे हैं। मैं स्क्रू ड्राइवर जेब में रख लेता हूँ वरना इनको शक हो जाएगा। ओके तो स्क्रू ड्राइवर हम जेब में रख लेते हैं। अंकल पता नहीं मैं तो देख रहा था खराब हो गई, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ मत कहना। हाँ ठीक है ना। ओके तो अंकल जी चलाकर टेस्ट कर रहे हैं। अरे अंकल जी आप मत खराब कर देना, गुद्दी पे रेप्टे मारेगा रोबोट नॉक्स आपके।
ओके, तो सामने से एक लेडीज आ रही है जो कि इस कार की फोटो खींचने आ रही है, क्या करने आ रही है? ओके, तो इसने नॉक्स को जो है फोन लगा दिया और उसे बोल दिया कि आपकी जो गाड़ी है ना वो चल रही थी और चलते चलते बंद हो गई। अब मेरे को नहीं पता मैंने स्क्रू ड्राइवर से पीछे क्या करा है जिससे इसकी गाड़ी बंद हो गई। अब यहाँ पर इसने नॉक्स को तो बुलाया और वो गाड़ी रिपेयर करने आ रहा है। यहाँ पर इसकी गाड़ी की ऐसी की तैसी करने का तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है। गाड़ी के अंदर बैठ जाओ ना अंकल, ये भाई साहब जी फोटो खींच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं भी गाड़ी के अंदर बैठ कर देखता हूँ क्या सीन है। गाड़ी तो फिलहाल एकदम मस्त लग रही है, फोटो वोटो खिंचवा लो भाई साहब, मतलब एकदम फुल कितनी तगड़ी लुक आ रही है भाई अपने, ये देखो मतलब एजेंट 47 की क्या लुक आ रही है भाई इस कार के अंदर बैठ के। ओके, तो यहाँ पर यार रॉबर्ट नॉक्स तो आ नहीं रहा। ओके ओके, आ गया आ गया, अबे मेरे को हट जाना चाहिए यहाँ से, हट जाना चाहिए वरना रॉबर्ट नॉक्स मेरे ही भरेगा उल्टा। ओके, तो वो पीछे से चढ़कर एंटर हो गया है। अब यहाँ पर वो भी देखने आया है तो अपने साथ एक बॉडीगार्ड भी लेकर आया है। अरे नॉक्स अंकल मैं क्या बताऊँ, मैं फोटो खिंचवाने आया था, आपकी गाड़ी खराब हो गई, क्या कचरा चलाते हो तुम। ओके, तो यहाँ पर अभी ये देख रहा है प्रॉब्लम ऐसी आई क्या है जिससे कि गाड़ी बंद हो गई है। ओके, तो मेरे को एक गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोल रहा है, अच्छा इसको लग रहा है ना कि मैं मैकेनिक हूँ। ओके, तो मेरे से थोड़ा बहुत काम करवा रहा है, अब पता नहीं मुझे क्या काम करना है। ओके, तो ये गाड़ी में, ओ भाई साहब रिपेयर कर रहा है फुल एकदम। ओके, तो यहाँ पर एक करना क्या चाहता है। ओके, तो मेरे को इंजन स्टार्ट करना है, ले भाई तेरा इंजन स्टार्ट कर दो। ओ ओ भाई 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 भाई, तो यहाँ पर ये पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके, दोबारा से मेरे को इंजन स्टार्ट करना है, स्टार्ट हो गया फिर बंद हो गया भाई, अबे नकली चले जाए यहाँ से। ओके, अच्छा ये कह रहा है कि कोई वायर लूज हो गई है, भाई ये बहुत बड़ा मैकेनिक लग रहा है मेरे को तो। ओके, दोबारा से स्टार्ट करना है, ओ भाई अबे इसने ठीक कर दी। ओके, अबे इसने गाड़ी तो ठीक कर दी बे, इधर आ। यार मैं तो इसको हल्के में ले रहा था, लेकिन यार ये सच्ची में बहुत ही बड़ा मैकेनिक निकला। मतलब कि यार गाड़ी को यूं चुटकियों में रिपेयर करके चले जाता है यार, पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पर ना मेरे को कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा जिससे कि इसकी गाड़ी ना, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक स्क्रू ढीला कर रहा हूँ जिससे कि कोई ना वायर ढीली हो जा रही है और ये आकर ना सीधा रिपेयर कर दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा सामान यहाँ पर जरूर पड़ा होगा जिससे ना इसकी गाड़ी एकदम खराब हो जाए, और अगर ये जैसे ऑन करने को ट्राई करे ना तो इसकी गाड़ी जो है ब्लास्ट हो जानी चाहिए, तभी कुछ होगा। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, ट्रांजिस्टर रेडियो है पता नहीं, ये तो फिलहाल किसी काम का नहीं है, मेरे को नहीं लगता इससे कार का कोई लिंक होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ क्या पड़ी हुई है भाई साहब, ओके ओक्टेन बूस्टर, ये शायद से उसकी गाड़ी का ही कुछ बूस्टर टाइप है। अब यहाँ पर इसका मेरे को तो लग रहा है कुछ तगड़ा यूज़ है ये भाई, बूस्टर है पता नहीं क्या हो सकता है, इसको लेकर चलते हैं ना उसकी गाड़ी में लगा देते हैं, क्या पता लग जाए। बाकी गैस मैं तो सोच रहा था कि उसकी गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल दे, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर ना इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, पहले स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसे ढीला कर दिया, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर वो लगा सकता हूँ क्या, एक सेकंड रुक जाओ, ये लग जाएगा इसके अंदर। ओ भाई हो गया हो गया हो गया हो गया, वो आना चाहे बस। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसकी गाड़ी के ऊपर ये क्या डाल दिया भाई, बूस्टर टाइप कुछ डाल दिया है। अब यहाँ पर ये दोबारा से चेक करने आया, इसका जो चेला वेला पता नहीं इसने क्या खड़े कर रखे हैं, इनको बोल रखा है कि जैसी गाड़ी ऑफ हो मुझे बताना, कोई भी मैकेनिक इसे छुए ना। अब यहाँ पर मैंने पीछे देखो ना कुछ तो डाला है, यहाँ पर जो इसका इंजन है ना इसके ऊपर कुछ तेजाब जैसा गिर गया, और ये जगह ना एकदम मेरे को लग रहा है ना गर्म सी हो गई है। अब वो जैसे स्टार्ट करेगा ना मेरे हिसाब से गाड़ी आग पकड़ लेगी, लेकिन यार गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमको भी तो गाड़ी में ही बैठना पड़ता है ना यार, अगर मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो, इसकी कंपनी का नाम है क्रॉन स्टैडेड, पता नहीं कैसे अजीब सी कंपनी का नाम है। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया है, अब यहाँ पर ये दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, मैं तो स्टार्ट कर दूंगा भाई, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, अगर मेरा चोट लगी ना बेटा तेरी पूरी कंपनी डुबा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर दोबारा से रिपेयर कर रहा है उसी तरीके, बेटा जलेगा वो वहीं पर ऐसे डाला है। ओके, तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट करा, ओके तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी फिर से वही वाली ट्रिक लगाने वाला है, इसको फिर से लग रहा है वो वायर ढीली हो गई है, लेकिन इस बार ये जैसी वायर जोड़ेगा फिर जो इसका पिछवाड़ा जलेगा ना भाई वो देखना है मेरे को। ओके, तो मेरे को दोबारा से इंजन स्टार्ट करना है, ओए गाड़ी ने बहुत तेज साउंड करा। ओके, दोबारा इसको समझ आ गया, अभी दोबारा से वायर टाइट करने वाला है, मेरे को लग रहा है अब गड़बड़ होगी। ओके, करो स्टार्ट, ले ओके गाड़ी स्टार्ट, ओ ओ भाई ओ ओ भाई भाई साहब, ओटो 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 ओटो, मैंने कुछ नहीं करा, कोई सीसीटीवी वगैरह तो नहीं लगे रहे थे ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ओ भाई साहब, ओए काय का सिक्योरिटी गार्ड है तू, है बे तो पता तो चला नहीं हुआ क्या है। अब यहाँ पर भाई साहब डिस्प्ले तोड़ दिया, एक तो इसने इतनी महंगी गाड़ी तो भाड़ में जाए इसकी, वैसे कार यार बहुत तगड़ी थी, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, कार इसकी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर इसका सिक्योरिटी गार्ड, मैं पगलेट किसको ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है तू। ओके, मेरे को लग रहा है ना मैं फंसूंगा, मेरे को यहाँ से फटाफट बाहर निकल लेना है।
तो वैसे यार ये वाला मिशन ना बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अमेजिंग था। अगर इसको कहने का मतलब एकदम मजा सा आ गया इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा रेस का टूर्नामेंट चल रहा था जिसके अंदर हमने जिस बंदे की रेस की कंपनी जिसकी यहाँ पर F1 कार्स थी उसके मालिक को मारा और उसकी डॉटर को भी मार दिया जो कि खुद एक रेस में पार्टिसिपेंट थी। मतलब यार बहुत ही तगड़ा मजा आ गया भाई इस वाले मिशन को करके। अब यहाँ पर हमें फटाफट ना यहाँ से बाहर निकल लेना है और एजेंट 47 हमेशा की तरह अपनी चौड़ में पूरा एग्जिट हो चुका है। मतलब कि इस बंदे की शक्ल देखो भाई, एकदम हमेशा गुस्सा रहता है। तो ओके गाइस ये वाला मिशन भी डन हो गया। तो भाई साहब वैसे ये वाला मिशन भी हमने कंप्लीट कर दिया और ये ना एक बहुत ही अमेजिंग मिशन था। मतलब कि यार मजा ही आ गया इस मिशन को करके। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 60,000 लाइक के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करते हो। तो प्लीज यार सभी लोग लाइक का बटन दबा देना। और हाँ यार जो लोग भी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसे दबा दो। अब यहाँ पर भाई साहब हिटमैन की जो सीरीज है यार बहुत तगड़े, मतलब मजा आता है खेलने में। तो मुझे ना बहुत सारे लोग कह रहे थे कि माइनक्राफ्ट की सीरीज लाओ, माइनक्राफ्ट खेलो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मुझे खेलना चाहिए माइनक्राफ्ट फिर नहीं खेलना चाहिए। और अगर आप कोई मुझे न्यू गेम सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके सजेस्ट कर सकते हो। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।